हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रवि सक्सेना आज फिर आपके लिए क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स मैट्रिक्स को लेकर आया हूँ। काफी इजी चैप्टर्स है ये चैप्टर्स, जनरली हर जगह कोचिंग क्लासेस में इसी को लेकर स्टार्ट किया जाता है क्योंकि इजी है, बच्चे को मोटिवेट होता है, बच्चा आगे पढ़ने के लिए उत्सुक रहता है इस चैप्टर के बाद मैथ्स पढ़ने के लिए। तो आज इसी को लेकर अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स, हिंदी में इसको आप यू बोलते हैं। तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए प्लीज वही चीज मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि अगर ये मेरा चैनल आपका मेरा लेक्चर्स अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? आप यू। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? आप यू। सबसे पहले मैट्रिक्स के नोटेशन बताऊंगा, मैट्रिक्स होती क्या चीज है, किस तरह से नोट करते हैं, किस तरह से पहचानते हैं। तो मैट्रिक्स के तीन तरीके के नोटेशन हैं। एक तो आप अपन इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो कर सकते हैं, इसके बाद दो स्ट्रेट लाइन लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट केस मिल गया अपन को, ये सेकेंड केस मिल गया और थर्ड अपन को ये केस मिल गया। ये तीनों मैट्रिक्स नोटेशन जो है मैट्रिक्स के हैं, जनरली अपन को ये नोटेशन मिलेगा मैट्रिक्स के नोटेशन है। अब मैट्रिक्स में होता क्या है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन देखते हैं अपन। देखिए ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें आपकी क्या लाएंगी? रो। क्या कहलाएंगी? रो। और ये जो लाइनें कहलाएंगी आपकी कॉलम, इसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम को अपन स्तंभ बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली मैक्सिमम पर्संस क्या बोलेंगे? रो और कॉलम। रो और कॉलम के ही कॉम्बिनेशंस को अपन बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। अब देखिए मैं आपको पहचान बताऊं, अपन ने मैट्रिक्स लिख दी कोई 1 2 3 1 4 6। देखिए पहचानो जरा मैट्रिक्स को, कितनी रो है इसमें? एक रो ये जा रही है, एक रो ये जा रही है, दो तो रो गई, कॉलम 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट को शो करते हैं अपन रो और सेकंड को शो करते हैं अपन कॉलम और ये मिलके बन जाता है आपका ऑर्डर। क्या बन जाता है? ऑर्डर। अब देखिए अपन से कोई कह दे A12 बताइए, A12 का मतलब फर्स्ट मैंने क्या बताया कि शो करता है रो को। A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट कितना हो गया? 2। मैं कह दूं A21 कौन सा हो गया? सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या होता है? रो। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया? 3। A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या हो गया आपका? 6। मेरी ख्याल से पहचान लोगे ऑर्डर्स। और देखिए ये कितने बाई कितने का है, कितनी रो है? 1 2 3, तीन तो रो गई, कॉलम केवल एक ही है, ये कितने हुए? 3/1। अगर कोई क्या आपसे 1/3 का लिख के बताओ, 1/3 मतलब एक तो रो होना चाहिए, कॉलम 3। देखिए एक रो हो गई, कॉलम कितने हो गए? 3। ये हो जाएगा 1/3। तो मेरी ख्याल से ऑर्डर देखने आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एक एक करके मैट्रिक्स की कंडीशंस पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, जैसे 1 2 3 0 1 4। मैट्रिक्स का टाइप क्या है? कितनी रो है? 2 रो है, कॉलम कितनी है? 3। दोनों सेम नहीं है, अगर दोनों सेम नहीं है तो उसको बोलेंगे अपन रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम रहे, फॉर एग्जाम्पल 1 0 3 2 1 3 6। कितनी रो है? 3 रो है आपकी और 3 ही कॉलम्स हैं।
जिसमें रो और कॉलम सेम होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में बोलेंगे इसको वर्ग अव्यू। रेक्टेंगल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन, आयताकार अव्यू। इसके बाद देखिए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों ही जीरो हो, ठीक है ना। देखिए कोई से भी सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए आपके, ऑल द एलिमेंट्स जीरो आर कॉल्ड नल मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य अव्यू। इसका किस कितने बाय कितने का ऑर्डर हो गया, 2/3 का। इसको बोलेंगे शून्य अव्यू नल मैट्रिक्स, ठीक है। और देखें अपन इसके बाद देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं हिंदी में विकर्ण अव्यू। क्या बोलते हैं, विकर्ण अव्यू, जिसमें डायगोनल्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो उसे बोलते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स कहां पॉसिबल है, जब स्क्वायर होगा। जनरली अपने पास 2/2, 3/3 के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 200030009 डायगोनल कौन सा होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ये आपका डायगोनल्स हो गया। डायगोनल्स को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसे अपन कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अव्यू। इसके बाद देखिए सिमिलरिटीज हैं इसमें, स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा सुनने पर ध्यान देना, बाई चांस राइटिंग की वजह से आपको वोट ना दिखे। स्केलर मैट्रिक्स, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, डायगोनल्स को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए लेकिन डायगोनल्स के एलिमेंट सेम होना चाहिए एक जैसे। अभी दोनों तीनों में अलग अलग थे, 0 2 0 0 0 2। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल्स के एलिमेंट एक जैसे होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है एक डायगोनल्स हो सकता है लेकिन एक डायगोनल्स मैट्रिक्स जरूर नहीं है, स्केलर हो। इसी का थर्ड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं तत्समक अव्यू। इसमें क्या होता है, डायगोनल्स को छोड़कर इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं लेकिन डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे, एक जैसे में भी क्या चाहिए, वन, ओनली वन, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको 3/3 का है, इसको अपन I3 भी कह सकते हैं। अगर 2/2 का हो जाएगा आपका तो उसको अपन I2 भी कह सकते हैं, 1 0 0 1। ये 2/2 का हो जाएगा, इसको अपन I2 भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको सिमिलरिटी समझ में आई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर भी हो सकता है डायगोनल्स हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी को स्केलर कह सकते हैं, तीनों एलिमेंट एक जैसे हैं, स्केलर हो गए, और डायगोनल्स को छोड़ के सारे जीरो हो तो डायगोनल्स हो गए। एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता, वो आइडेंटिटी बन चाहिए लेकिन डायगोनल्स हो सकता है। अपन पढ़ रहे हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल्स से नीचे वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, जीरो। तो डायगोनल्स अपन कुछ भी ले रहे हैं, डायगोनल्स से नीचे वाला पोर्शन चाहिए अपन को, है ना, जीरो। देखो डायगोनल से हो गया, डायगोनल से नीचे वाला पोर्शन जीरो है तो क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसके बाद है आपका लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल से ऊपर वाला पोर्शन जो है जीरो होगा। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स ये ले लिया अपन ने 2/5, ये वाला पोर्शन जो है अपन ने जीरो ले लिया। डायगोनल से हो गया, डायगोनल से ऊपर वाला पोर्शन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। डायगोनल से नीचे वाला जीरो हो गया, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। एक होता है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, मान लीजिए 5। इसी को अपन रो और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जो रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स हो, सिंगल वन एलिमेंट, वन एलिमेंट्स को अपन सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और रो कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं।
अब देखिए कोई बोले रो मैट्रिक्स या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसमें क्या बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, या रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रो कितनी हुई इसमें 3, कॉलम 2, रो ज्यादा है इसलिए कैसे हो जाएगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और वर्टिकल मैट्रिक्स तो हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम ज्यादा हो, ये क्या कहलाएगी आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स, या इसको क्या कह सकते हैं अपन कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कितने रो 1 हो गई, कॉलम कितने हो 3, कॉलम ज्यादा है इसलिए वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें रो ज्यादा है इसलिए आपकी रो मैट्रिक्स। अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें लेके चले अपन, कोई भी मैट्रिक्स और कब ऐड और सबट्रैक्ट कर सकती हैं, जब उनके दोनों की सेम ऑर्डर होना चाहिए, मल्टीपल का अलग रूल्स है, ठीक है। जैसे अपन देते हैं ए बराबर 1 2 3 2 1 1, बी बराबर लिख दिया अपन ने 1 2 0 5 6 1, मैं आपसे कहूं ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी काफी आसान है आपका 1 2 0 5 6 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, इसका भी ऑर्डर सेम है 2/3 का है, 2 रो है 3 कॉलम्स हैं, इसका भी ऑर्डर जो है 2/3 का है, ऐड हो जाएगा 1, किससे ऐड होगा 1 से, 1 ओवर कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 ऐड हो गए क्या हो जाएगा 4, 3 और 0 3, 2 प्लस 5 7, 7 और 2, ये आपका आ गया ए प्लस बी। दो मैट्रिक्स की कंपेयर कब करोगे, जब उनका भी कैसे होना चाहिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। देखिए इसके जैसे मैं लिखता हूं ए 0 0 बी, और ये लिख दिया अपन ने 2 0 0 3, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ए एंड बी, कंपेयर करना है, कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों का सेम ऑर्डर हो। तो सेम ऑर्डर है आपका, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहां 0 है यहां 0 है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। कंपेयर कब कर पाएंगे जब दोनों का सेम ऑर्डर हो। और देखिए जरा ऐड और सबट्रैक्ट की क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मेरे के प्रॉब्लम खत्म। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंपेयर का, अच्छा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये दे दिया उसने 8 और 4, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, कितने वाई कितने का है बता सकते हो, कितनी है आपके रोज 2, कॉलम कितना है 1 ही है, देखो सेम ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसकी इक्वेशंस से 10th क्लास में पढ़ी है आपने, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशंस मेथड, क्वेश्चन डिवीजन जिससे चॉप कर दो, तो 2x कर दो कितना आ जाएगा 12, x कर दो कितना आ गया 6, x कर दो 6 इसमें रखते हैं अपन, 6 प्लस y कर दो 8, देन y कर दो 8 माइनस 6, y कर दो कितना आ गया 2, तो आपका ये कंपेयर वाला पार्ट्स हो गया, ठीक है। एक और देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए आपको बताऊं, आपको जैसे a बराबर दे दिया उसने 2 2 3 4 1, और b कर दो दे दे आपको 1 2 3 5, वो कह रहा है a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड c, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया, ये रिलेशन दे दिया उसने, तो अपन क्या लिख सकते हैं c इक्वल टू a प्लस 2b, लेकिन उधर जाके दोनों का एक हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस अलग रख दिया अपन ने, a की वैल्यू रखे अपन कितना था 2 3 4 1, प्लस 2 बी की वैल्यू रखते हैं अपन 1 2 3 5, तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, 2 के प्रत्येक एलिमेंट मैट्रिक्स में जो मल्टीपल होता है प्रत्येक एलिमेंट्स में होगा भाज्य रखा होगा, कितना हो जाएगा 2 4 6 10, देखो ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7,
फोर और सिक्स हो जाएगा आपका टेन और वन और टेन हो जाएगा आपका इलेवन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मेरी ख्याल से आपने एड और सब्ट्रैक्ट करना ढंग से सीख लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो अपन इसका पढ़ेंगे मल्टीपल का, जब तक आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ढंग से कर लेना। मैन जो है इसका मल्टीपल है, वो मल्टीपल जैसे खत्म हो जाएगा, समझो मैट्रिक्स का आधा काम आपने खत्म कर लिया। ओके स्टूडेंट, इसको जरूर ढंग से पढ़ना और बताना मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना।